दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मतलब जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती इंसान हो या फिर जानवर उसकी मौत नहीं आ सकती, फिर चाहे वो मौत के मुंह में ही क्यों ना खड़ा हो वो मौत को भी मात देकर वापस आ जाएगा। और ऐसे कई उदाहरण आपने सुने भी होंगे जब लोग चमत्कारिक ढंग से मौत के मुंह से बाहर निकलकर एक नया जीवन पाने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति की बात हम करने जा रहे हैं इसके आगे चमत्कार शब्द थोड़ा छोटा सा लगता है, क्योंकि चमत्कार अमूमन जीवन में एक या दो बार ही होते हैं। लेकिन जोन ली इतिहास में दर्ज वो व्यक्ति हैं जिनके साथ जीवन दान का चमत्कार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार हुआ था। वो भी ऐसे कि मानो जोन और मौत के बीच खुद भगवान आ गए हों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन में मौजूद बम्बा कोम्बे नामक एक जगह से, जहां रहने वाले जोन ली नाम के इस इंसान को 15 नवंबर 1884 के दिन पुलिस गिरफ्तार करती है। जोन पर यह आरोप था कि उसने अपनी ही मालकिन एम्मा कीस, जिसके घर वो नौकरी करता था, उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस ने हत्या का उद्देश्य उस बंगले में रखे पैसों की चोरी को बताया था। जबकि जोन की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि जिस समय पुलिस मोकाई वारदात पर पहुंचती है तो लाश के पास कोई और नहीं बल्कि खुद जोन ही मौजूद थे, जिनके कपड़े खून से सने हुए थे और हाथ में चाकू का एक ऐसा निशान था जो इस ओर साफ इशारा कर रहा था कि मानो जोन के हाथों में कोई चाकू मौजूद हो, और उसे हासिल करने में हाथापाई हुई जिसमें खुद इनका ही हाथ घायल हो गया। पुलिस जोन को गिरफ्तार करती है और उनके लाख चिल्लाने के बावजूद कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, जोन को जेल भेज दिया जाता है। और कुछ ही दिनों में ये केस अदालत में भी पहुंच जाता है, जहां पुलिस जोन के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ये बताती है कि जोन को रंगे हाथों पकड़े जाने के अलावा इन पर कई और भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। जब नेवी में रहते हुए भी इन पर चोरी का इल्जाम लगा था, जिसके चलते जोन को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में अब स्पष्ट रूप से एम्मा के मर्डर के तार भी जोन से ही जुड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस घर में एम्मा के अलावा जोन ही वो इकलौते नौकर थे जो उस समय घर में मौजूद थे, जबकि बाकी के सभी नौकर रोज की तरह अपने अपने स्टाफ क्वार्टर में पहले ही जा चुके थे। वहीं दूसरी और अहम कड़ी ये भी थी कि नेवी में भर्ती होने से पहले भी जोन एम्मा के बंगले में ही काम करते थे, और नेवी से निष्कासित किए जाने के बाद भी वो वापस उसी बंगले में लौटकर आए थे जिन्हें अभी वहां लौटे हुए कुछ ही दिन बीते थे। ऐसे में कोर्ट को भी पुलिस का ये तर्क मानना पड़ा कि होना हो ये मर्डर चोरी के अपमान से शुरू होकर उसका बदला एम्मा की जान को लेकर पूरा करने की कहानी थी, जिसके मुख्य और इकलौते आरोपी थे जोन ली। इस आधार पर जोन ली को आरोपी माना गया और लगभग 3 महीने लंबे चले इस केस में जोन को एम्मा की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई। उधर जोन कोर्ट में हुई हर पेशी में केवल एक ही बात कह रही थी कि उन्होंने एम्मा का कत्ल नहीं किया, और ये बात मैं और मेरा भगवान दोनों जानते हैं। लेकिन अफसोस कि भगवान के अलावा वहाँ ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जो कि अदालत में आकर जोन के लिए गवाही दे सके। जज के सामने हर पेशी में जोन रोते बिलखते और गिड़गिड़ाते हुए कहते कि वो बेकसूर हैं, उन्हें बरी किया जाए। लेकिन जोन ये नहीं जानते थे कि कानून सबूत मांगता है, फिर चाहे वो सच्चा हो या झूठा, जिसके अभाव में आखिरकार 23 फरवरी 1885 को वो दिन भी आ गया जब जोन को एक्सेटर जेल में फांसी दी जानी थी, और इसकी जिम्मेदारी एक्सेटर जेल के जल्लाद जेम्स बैरी की थी। फांसी की सजा मिले आज तीसरा दिन था, और इन तीनों दिनों में जोन कई बार पहले ही ये सोच सोच कर मर चुके थे कि काश कोई सबूत मिल जाता जिससे उनकी जान बच जाती। लेकिन फांसी के फंदे के ठीक सामने जोन कहीं ना कहीं ये भी मान चुके थे कि अब उनकी जान कोई चमत्कार ही बचा सकता है, जिसका होना लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि जल्लाद जेम्स बैरी ने फांसी के सभी इंतजाम अच्छे से पहले ही जांच लिए थे, जहां सभी चीजें सही से काम कर रही थी। जोन की फांसी का इशारा मिलते ही उन्हें तख्ते पर लाया गया और सर पर काला कपड़ा पहनाया गया, गले में फंदा डाल उन्हें तख्ते पर खड़ा रहने के लिए छोड़ दिया गया। फिर जैसे ही जज ने जेम्स को इशारा किया तो जल्लाद जेम्स ने हैंडल खींच लिया ताकि तख्ता खुल जाए और फांसी लगने से जोन की मृत्यु हो जाए। लेकिन फिर वो हुआ जिसे हम और आप लोग चमत्कार कहते हैं, क्योंकि जेम्स ने जैसे ही हैंडल खींचा तो तख्ता खुला ही नहीं। ये देख सभी हैरान रह गए। जेम्स ने बहुत कोशिश की कि वो तख्ता खुल जाए, लेकिन वो खुला ही नहीं, जिसके चलते जोन की फांसी उस दिन चमत्कारिक रूप से रुक गई। और जब फांसी नहीं हुई तो जज ने इसे अगले दिन के लिए टाल दिया। लेकिन शायद अब इस केस में भगवान की एंट्री हो चुकी थी, जिसका पता ना तो जज को था और ना ही जोन को, और तो और ना ही जल्लाद जेम्स को, क्योंकि अगले दिन भी वही हुआ जो फांसी के पहले दिन हुआ था। जोन को काला कपड़ा तो पहनाया गया, गले में फंदा भी डाला गया, लेकिन तख्ता एक बार फिर से नहीं खुला। असली चमत्कार तो तब हुआ जब जोन को तीसरी बार भी फांसी देने की कोशिश हुई, लेकिन तख्ता फिर से नहीं खुला, और फांसी के नियम के अनुसार इसे तय समय के अलावा समय से आगे या फिर पीछे नहीं दिया जा सकता था। इसलिए जोन का केस एक बार फिर से कोर्ट में चला गया, जिसकी पहली जांच तो ये हुई कि आखिर फांसी पूरी क्यों नहीं हो पाई, जिसमें पता ये चला कि तख्ते के नीचे लोहे का एक टुकड़ा फंसा रह गया था जो दोनों दरवाजों के बीच अटक जाता था, जिसे जितनी भी बार खोलने का प्रयास किया जाता उतनी ही बार दरवाजा उसमें अटक कर रह जाता, और इस तरह 3 बार दरवाजा न खुलने से हर बार जोन की जान बच रही थी। इधर जांच की रिपोर्ट आने के बाद जज ने सभी पहलुओं पर एक बार फिर से गौर किया और ये पाया कि जोन जो खुद अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन तय समय पर फांसी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, और वो भी 3-3 बार की गई कोशिशों के
बाद, जिसमें भले ही वो जिंदा बच गए हों, लेकिन मौत का खोप उन्होंने तीनों बार स्वाभाविक रूप से झेला था, जिसे अगर गौर से सोचा जाए तो ये भी मौत की सजा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए जज ने फैसला लिया कि मानवीय आधार पर ऐसे व्यक्ति को बरी कर देना ही बेहतर होगा। जज का ये फैसला सुनते ही जॉन ली कोर्ट में रोने लगे। इन्हें देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सभी ने इसे भगवान का चमत्कार बताया, लेकिन जॉन इस पर कुछ नहीं बोले और कोर्ट रूम से बाहर निकल कर कहीं चले गए, जिसके बाद उन्हें तब तक किसी ने नहीं देखा जब तक 80 साल की उम्र में साल 1945 में जॉन का निधन नहीं हो गया। इस बीच जॉन ने क्या किया और एमा का मर्डर आखिर किसने किया, ये दोनों ही बातें आज भी राज हैं, जो जॉन ली और कई संदिग्ध लोगों के साथ अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमा की हत्या किसने की होगी? क्या वाकई जॉन ली बेकसूर थे? कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।